नमस्कार, मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं होराइजन इन न्यूज। पार्ट 21 फकीराखेड़ा में क्षेत्रवासियों ने किया प्रदर्शन। लॉकडाउन के बीच सामग्री न मिलने से आ रही है परेशानी। पार्षद में प्रशासन की तरफ से नहीं करवाई जा रही सुविधा। कोरोना वायरस के चलते प्रदेश में लॉकडाउन जारी, ऐसे में कई लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन द्वारा लोगों तक आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने का कार्य जारी है, लेकिन आज वार्ड 21 के फकीराखेड़ा गांव के क्षेत्रवासियों ने प्रशासन और पार्षद के खिलाफ प्रदर्शन किया, जहां पर इनका कहना है कि पार्षद मोहन लालवानी को कई बार अवगत करवा दिया गया, लेकिन उन तक फिर भी राशन की सामग्री नहीं पहुंच पा रही है। जो मदद हो रही है वे केवल कुछ भामाशाओं या फिर चंदा इकट्ठा करके लोग बाग अपने घरों में सामग्री ला रहे हैं। इसलिए प्रदर्शन करके ये मांग की गई कि उनकी भी समस्या का निस्तारण करवाया जाए और उन तक भी सामग्री पहुंचाई जाए। क्या परेशानी का आपको सामना करना पड़ा है? हमारे गांव में जितने भी जो भी वाशिंदे हैं वो सब गरीब आदमी हैं, मजदूर हैं, अपना मजदूरी करके अपना पेट बसर करते हैं। और हमारे गाँव में जो भी प्रशासन की तरफ से जो सहायता मिलनी चाहिए वो हमको अभी तक नहीं मिली है। और पार्षद को भी हम दो तीन बार अवगत करा चुके हैं इस चीज़ से, तो उसने भी कोई सहायता के लिए हमारे को अभी तक प्रोत्साहन नहीं करा है और ना कोई हमारे को लाभ दिया है। और हमारे गांव में उसका अक्षय पात्र का जो खाना मिलता था वो भी हमारे को बंद करा दिया गया है। और हम जो भी है अभी प्रशासन से मदद मांगी है, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई सहायता नहीं है। ये क्या पार्षद वगैरह ना कोई भी सहायता वगैरह जो अभी प्रशासनिक जो मिल रही है उनको वो दी या नहीं दी? नहीं, नहीं दी सर। अभी तो दो तीन बार जाके आ चुके हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया हमारे। तो अभी कितने करीब लोग हैं आपको? 200-250 आदमी है, गरीब आदमी। अच्छा, आपका क्या नाम है और ये कौन सी जगह है? मेरा नाम मोहम्मद रईस है, गांव फकीराखेड़ा से, वार्ड नंबर 21 से। हमारे पार्षद का नाम मोहन लालवानी है। उनको हम दो तीन बार जाके बोल के आ चुके हैं लेकिन उन्होंने अभी कोई ध्यान नहीं दिया। भैया बताइए क्या परेशानी यहाँ अभी आपके सामने आ रही है? हमारा ये गाँव फकीराखेड़ा है, वार्ड नंबर 21 है। हमारे यहाँ करीबन 150-200 गरीब तक के हैं, बिल्कुल खुली मजदूरी करने वाला आदमी है। उनको बहुत मतलब खाने पीने की बहुत परेशानी हो रही है। हमने सर्वे भी कराया है यहाँ पर और वहाँ लिस्ट भी भिजवा दी हमने। अभी तक वहाँ से किसी तरह की मतलब कोई मदद गवर्नमेंट की तरफ से सहायता वगैरह नहीं मिल रही हमारे को, या कोई भी किसी तरह की कोई पाकिट वगैरह कोई नहीं मिल रहा। क्या हम ये चाहते हैं भाई जिला प्रशासन की तरह हमारे गाँव में मतलब किसी तरह की मदद मिले और गरीब तक को किसी तरह उन्हें कोई सहारा मिले। क्या नाम है? मेरा नाम सिराज मोहम्मद है। और वैसे क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? जब से हुआ हमारे कोई प्रशासन ने ना कोई ध्यान दिया हमारे, ना कोई हमारे कोई सामग्री आई है, ना कोई राशन पानी आया। और हमारे सारे मजदूर वर्ग के आदमी है और सब घर में बैठे हुए हैं। और हमारे जो संस्था गांव के बनी हुई है उन्होंने चंदा करके हर घर के अंदर अपने 5-5 किलो का कट्टा पहुँचाया। और हमारे जो मोहन लालवाड़ी पार्षद है यहाँ का, वो आके यहाँ भी कुछ भी नहीं पूछा किसी गाँव वालों से, मजदूर से, कि तुम्हारे क्या हाल है। हमारे सिर्फ यही है कि जो भामाशिया है हमारे, वो हमारे को यहाँ सहयोग कर रहे हैं। बाकी और किसी प्रशासन का ना किसी पार्षद का किसी का सहयोग नहीं है हमारे। हमारे सब मजदूर आदमी है, सब घर में बैठे हुए हैं। ये पार्षद को बताया कि आपने परेशानी का? पार्षद को कितनी दफे बोल के आए मगर पार्षद सुनाई नहीं कर रहा हमारी कोई भी। कितने दिनों से परेशानी हो? ये परेशानी जब से लॉकडाउन हुआ है जब से ही मतलब हमारा ये काम हो रहा है, क्योंकि हम कोरोना का सहयोग कर रहे हैं। हम घर से बाहर कोई नहीं निकल रहा, हम खुद जाके घरों में सबको अंदर कर रहे हैं कि नहीं कोरोना को अपन को बाहर नहीं आना, लॉकडाउन में अपन को पालन करना। हम पालन कर रहे हैं मगर मजबूर है, क्या करें। बच्चे परेशान हो रहे हैं, मजदूर परेशान हो रहे हैं, खाने के लिए कुछ परेशानी हो रही है। कुछ सामग्री होनी चाहिए, वो सामग्री हमारे पास तक अभी तक किसी ने पहुँचा सहयोग। कौन सी जगह, क्या नाम है? ये हमारे वार्ड नंबर 21 है और ये फकीराखेड़ा है गाँव हमारे। आपका नाम क्या? फखरुद्दीन शाह। आप क्या हो यहाँ गाँव के? या मैं अल्पसंख्यक जिला सचिव भी हूँ कांग्रेस से और मैं यहाँ सेवाधारी भी हूँ। लॉकडाउन को लेकर प्रशासन को भी सरकार के निर्देश का इंतजार। अतिरिक्त जिला कलेक्टर का कहना, सरकार से नहीं मिले किसी प्रकार के कोई निर्देश। कोरोना वायरस संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए और वायरस की चेन तोड़ने के लिए केंद्र द्वारा 21 दिन का लॉकडाउन लगाया गया था, यानी कल तक। हालांकि सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि लॉकडाउन आगे यानी 30 अप्रैल तक बढ़ाया जा सकता है। इसको लेकर आज हमारे संवाददाता ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश शर्मा से बात की, जहां पर उन्होंने बताया कि अभी सरकार से किसी प्रकार के कोई निर्देश नहीं मिले हैं और उन्हें भी सरकार के अगले फैसले का इंतजार है। हालांकि पास की जिस प्रकार व्यवस्था की गई है वह जारी रहेगी। इसके अलावा जिस व्यक्ति को जिस कार्य के लिए और जिस लोकेशन का पास मिला है उसकी उपयोगिता वही रहेगी, और पास को कोई गलत इस्तेमाल करेगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन जो पूर्व में 14 अप्रैल तक केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया था, उसके संबंध में अभी तक सरकार की ओर से नए निर्देश प्राप्त होना शेष है।
जैसे ही नए निर्देश प्राप्त होंगे उनके अनुसार पालना करवाई जाएगी। जो पासेज जारी करने की व्यवस्था पूर्व में चल रही थी उसी व्यवस्था को अग्रिम आदेश तक जारी करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, और उसमें भी लोगों को ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि पास जिस काम के लिए जारी हुआ है और जिस एरिया के लिए जारी हुआ है उसी में वो उपयोग में आ सकता है। यदि उस पास का कोई दुरुपयोग करते हुए पाए जाते हैं तो संबंधित पुलिस अधिकारी उन पर कार्रवाई करेंगे। इसलिए मेरा सभी से ये आग्रह है कि लॉकडाउन के जो निर्देश हैं, जो गाइडलाइन है, जो एडवाइजरी सरकार के द्वारा जारी है, उसकी कठोरता से पालना करें, और जो कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र है उसमें कर्फ्यू लागू रहने तक जो निर्देश पूर्व में जारी किए गए हैं उनकी कठोरता से पालना करें। अब तक लोगों का अच्छा सहयोग मिला है, उसी का परिणाम है कि अभी अजमेर ज़िले में जो 5 पॉजिटिव केस एक ही परिवार के मिले थे उनके बाद नया कोई पॉजिटिव केस नहीं मिला है। इसमें जो जनता का सहयोग रहा है लॉकडाउन की पालना करने में उसका भी महत्वपूर्ण योगदान है, और आगे भी सरकार के निर्देशों का बराबर पालन होता रहे यही सभी लोगों से अपेक्षा है। मैं इस बात के लिए सभी लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि प्रशासन का, पुलिस का इस लॉकडाउन की पालना करने में सहयोग करते रहें। धन्यवाद। पूर्व मंत्री ललित भाटी ने पुलिस कप्तान को जवानों के लिए सौंपी होम्योपैथी दवा, दवा से बढ़ती है प्रतिरोधक क्षमता, कई नाकाबंदी पॉइंट पर जाकर जवानों को पिलाई दवा। कोरोना वायरस महामारी के बीच फ्रंटलाइन वॉरियर्स लगातार अपना कार्य कर रहे हैं, जिसमें पुलिस, चिकित्सा कर्मी और शिक्षक बिना अपनी जान की परवाह किए कार्य कर रहे हैं। इसलिए आज पूर्व मंत्री ललित भाटी पुलिस कप्तान को राशिदीप से मिले और उन्हें 750 जवानों के लिए होम्योपैथी दवा भेंट की। भाटी ने बताया कि उन्होंने इस दवा को लॉकडाउन से पहले लिया था और इसको आज पुलिस कप्तान को सौंपा। इस दवा की 3 बूंद से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ललित भाटी ने कहा कि ये कोरोना वायरस संकट की स्थिति में जिस प्रकार कार्य कर रहे हैं इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि इनकी सुरक्षा के लिए कुछ इंतजाम किए जाएं। ललित भाटी ने स्वयं खुद कई नाकाबंदी पॉइंट पर जाकर जवानों को दवा पिलाई। आज किस तरह से आपने कलेक्टर और इनको दवाइयां पिलाने? देखिए, आज मैं अभी अपने SP साहब को जो है करीबन 750 जवानों को, पुलिस कर्मियों को ये 3 ड्रॉप्स हैं, एक आदमी को जो देने की इसकी निर्धारित मात्रा है उस हिसाब से ये वाइल दे करके आया हूँ। और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए राज्य सरकार अपने स्तर के ऊपर तो सारे प्रयास कर रही है, हर तरीके के सुरक्षा संसाधन जो हैं वो इस कोरोना युद्ध के अंदर जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनको सरकार उपलब्ध करा रही है, उसमें कोई कमी किसी प्रकार की आने नहीं दे रहे। मगर ये एक दवा है होम्योपैथी की, आर्सेनिक अल्ब 200 इसकी पावर है, ये एक इम्यूनिटी बूस्टर है। भारत सरकार ने भी इस दवा को दिए जाने की एक एडवाइजरी जारी की है, तो ये मेरे संज्ञान के अंदर थी, तो मैंने ये दवाई मार्केट से प्रोक्योर करके लॉकडाउन के पहले ही लेकर के रखी हुई थी। और मेरे दिमाग में यही था कि भाई हम जो हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं जिनका सीधा सीधा एक्सपोज़र हो रहा है, नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, और लोग जो सर्वे के लिए घर घर तक जा रहे हैं, फील्ड के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं सरकारी इसमें लगे हुए हैं, तो उनमें जहाँ तक पहुँचा सकें उतने लोगों को ये इम्यूनिटी बूस्टर की डोजेज जो है वो हम लोगों को वितरित करें, तो उसकी आज शुरुआत की है। और इसके लिए बाकायदा डायरेक्टर होम्योपैथी राजस्थान सरकार उनसे इसकी स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात वो स्वीकृति का पत्र भी मैंने SP साहब को दिया है, उसके साथ ये दवाइयाँ दी है, कलेक्टर साहब के पास भी वो लेटर आ चुका है। कल JLN हॉस्पिटल के अंदर जाकर के डॉक्टर्स, स्टाफ और लैब के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं तो वो भी करीबन 1500 का स्टाफ वहाँ पर कार्यरत है जो कोरोना की इस लड़ाई के अंदर अपना योगदान दे रहे हैं, तो उन तमाम लोगों को भी ये कल दवा वितरित करेंगे। और साथ में जो कच्ची बस्तियाँ हैं उन कच्ची बस्तियों के अंदर इसका मैं वितरण करूं, ये परमिशन मैंने सरकार से ली कि भाई कच्ची बस्तियों में रहने वालों का जो है इम्यून सिस्टम जो है उसकी
जो रोग से लड़ने के लिए प्रतिरोधात्मक शक्ति है वो अमूमन कम होती है, तो ये प्रतिरोधात्मक शक्ति को बढ़ाने का सबसे बड़ा एक अच्छी दवा है जो भारत सरकार ने रेकमेंड करी है। तो कल से हम ये कच्ची बस्तियों के अंदर भी लोगों को इसकी डोज पिलाने का काम जो है वो जारी करेंगे। ये दवाई कितनी मात्रा में पिला रहे हो आप? एक व्यक्ति को जो बीमार नहीं है उसको 3 से लेकर 4 बूंदें, स्वस्थ इम्यूनिटी वाले आदमी के लिए 3 बूंदें इसकी सफिशियंट है, और अगर कोई बीमार है तो उसके लिए तो जो होम्योपैथी के डॉक्टर्स जो डोजेज डिसाइड करते हैं वो इसके अंदर बताते हैं। तो मगर चूंकि हम तो जितने भी स्वस्थ लोग हैं उनकी और प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़े तो उसके लिए जो है ये 3-3 बूंदे हम पिला। पंडित राधेश्याम शर्मा ने प्रधानमंत्री केयर फंड में दिए 1,15,000 रुपए, विधायक अनिता बघेल को सौंपा चेक, जनता से भी संकट की स्थिति में साथ देने की अपील। कोरोना वायरस जैसी महामारी के बीच लॉकडाउन जारी है, देश में आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में कई लोग इस संकट की स्थिति में लड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। कोई प्रधानमंत्री केयर फंड में अपनी श्रद्धा अनुसार फंड जमा करवा रहा है तो कोई सीएम फंड में पैसे जमा करवा रहा है। वहीं इसी कड़ी में आज अजमेर निवासी पंडित राधेश्याम शर्मा ने प्रधानमंत्री केयर फंड में 1,15,000 रुपये का चेक विधायक अनिता बघेल को सौंपा, जहाँ पर राधेश्याम शर्मा ने कहा कि हर एक व्यक्ति को इस संकट की स्थिति में आगे आना चाहिए और सरकार का साथ देना चाहिए। वहीं बघेल का कहना है कि जिस प्रकार बुजुर्ग व्यक्ति आगे आ रहे हैं और अपनी इच्छा से संकट की स्थिति में साथ दे रहे हैं, इससे निश्चित हो गया है कि हर एक देशवासी कोरोना को हराएगा और जल्द इस कोरोना महामारी से मुक्त होगा। आपने जो डोनेशन करा है? जी, डोनेशन मैंने जो किया है वो प्रधानमंत्री के रक्षा कोष के लिए किया, जो कोरोना के लिए कर रहे हैं ना उसके लिए मैंने मामूली सहयोग दिया है, और कुछ भी नहीं, जो कुछ कर सकता था वो काम किया है, समझे। भगवान और देगा तो और भी पैसे देंगे, है कि नहीं? क्या विचार आया आपके मन में? आगे भी देंगे ना हम। क्यों विचार आया आपके मन में ऐसे कि ऐसा करना चाहिए? देश पे इतना बड़ा संकट, देश के ऊपर संकट आया तो हर आदमी का फर्ज होता है कि उसको सहयोग दे। मैं तो क्या, मैं तो वैसे भी स्कूल के लिए सहयोग सबका स्कूल को देता हूँ। आपका नाम बताइए। हाँ, नाम बताइए आपका। हाँ, पंडित राधेश्याम शर्मा, साई नक्षत्र, अजमेर। राधेश्याम जी शर्मा द्वारा जो साई नक्षत्र के नाम से एक संस्था संचालित करते हैं, ये राजाकोटी स्कूल के पीछे इनका निवास स्थान है, और इन्होंने कल हमें आग्रह किया था कि हम पीएम केयर फंड में 1,15,000 रुपए का चेक कोरोना के लिए लड़ाई के लिए हम देना चाहते हैं। तो उसी के तहत आज हम यहाँ आए हैं, और ये जो बुज़ुर्ग बाऊजी है इन्होंने 1,15,000 रुपए का ये पीएम के नाम से पीएम के अकाउंट में कोरोना की लड़ाई के लिए चेक दिया है। मैं इनकी व्यक्तिगत रूप से और माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से भी बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जैसा मैंने कहा कि ये बुज़ुर्ग लोगों के आशीर्वाद से ही हम जो है कोरोना की लड़ाई जीतेंगे, भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा, इसी ध्येय वाक्य पर काम करते हुए ऐसे सभी दानदाताओं बुज़ुर्गों का आशीर्वाद इस देश पर, इस देश की जनता पर बना रहे तो निश्चित रूप से हम ये लड़ाई जरूर जीतेंगे। आवश्यक सामग्री के परिवहन हेतु स्पेशल रेल सेवाओं का होगा संचालन, प्रमुख उद्देश्य गुड्स पार्सल तथा आवश्यक सामग्री का परिवहन करना। रेलवे द्वारा कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए आवश्यक सामग्री के परिवहन हेतु जयपुर बीकानेर जोधपुर अजमेर जयपुर वाया अलवर रेवाड़ी हिसार सिरसा तथा जयपुर अजमेर जोधपुर बीकानेर जयपुर वाया फुलेरा किशनगढ़ अजमेर मारवाड़ जंक्शन पार्सल स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। पार्सल रेल सेवा दवाइयां, चिकित्सा उपकरण, खाद्य पदार्थ आदि की आपूर्ति हेतु उपयोगी होगी। साथ ही रेलवे पार्सल वैन को जरूरतमंद ई कॉमर्स कंपनियां, व्यापारियों सहित अन्य ग्राहकों के लिए त्वरित परिवहन हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। इन पार्सल स्पेशल रेल सेवाओं को संचालित करने का प्रमुख उद्देश्य गुड्स पार्सल तथा आवश्यक सामग्री का परिवहन करना है। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा दिनांक 7 अप्रैल से 14 अप्रैल तक पार्सल स्पेशल सेवा का संचालन किया गया था, जो सर्किट में चलती थी जयपुर अलवर रेवाड़ी हिसार सिरसा हनुमानगढ़ से होते हुए जोधपुर और अजमेर से होते हुए वापस जयपुर आती थी। अब इसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया है। 15 तारीख से लेकर 25 तारीख तक यह रेल सेवा हर अल्टरनेट डे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। दिनांक 15, 17, 19, 21, 23 व 25 अप्रैल को यह पार्सल सेवा जयपुर स्टेशन से दोपहर 3 बजे शुरू होकर बीकानेर जोधपुर अजमेर होते हुए वापस जयपुर आएगी, और इसका रूट जो है वो वाया अलवर रेवाड़ी हिसार सिरसा होगा, यानी कि
इन दिनों में यह रेल सेवा अलवर की तरफ होते हुए सर्किट अपना पूरा करके अजमेर से वापस जयपुर आएगी अगले दिन। इसी प्रकार से दिनांक 16, 18, 20, 22 और 24 अप्रैल को यह रेल सेवा जयपुर से अजमेर होते हुए जोधपुर, बीकानेर और वापस जयपुर घूमकर आएगी, और इसका जो रूट है वो वाया फुलेरा, अजमेर, मारवाड़, जोधपुर होते हुए वापस जयपुर का रहेगा। यानी कि यह रेल सेवा ऑपोजिट डायरेक्शन में अजमेर से होते हुए जाएगी। यह यात्रियों जो हमारे पार्सल की बुकिंग कराने वाले और जो आमजन हैं उनकी सुविधा को देखते हुए किया गया है। एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि इस तरफ की जो बुकिंग होनी है उसके लिए भी हर अल्टरनेट डे और हमारी एक रेल सेवा अवेलेबल है। सो आमजन से और जो हमारे ट्रेडर्स हैं जो पार्सल सेवा का लाभ उठाना चाहते हैं उनसे अनुरोध है कि वो इस रेल सेवा का अधिक से अधिक उपयोग करें। यह आवश्यक वस्तुओं को ट्रांसपोर्ट करने में और अन्य जो सामग्री है आपकी पेरिशेबल्स हैं या फिर और किसी भी प्रकार के गुड्स हैं वो आपको ट्रांसपोर्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, और काफ़ी चीप तरीके से आप मेडिसिन हो, मास्क हो या आपके और कोई भी आइटम हो जो आप भेजना चाहते हैं वो इससे भेज सकते हैं। इन जो डिविजन्स हैं उनके चीफ पार्सल सुपरवाइजर से आप कांटेक्ट करें और इसकी जो जानकारी है वो आपको एनटीएस पर भी उपलब्ध हो जाएगी। जो स्पेशल ट्रेनें हैं उनका नंबरिंग अगर आप डालेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा और आप इस रेल सेवा का सिख समाज के वैसाखी के उत्सव को घरों में ही मनाया, गुरुद्वारों में की गई रस्में। कोरोना वायरस के चलते सिख समाज के वैसाखी के उत्सव को लोगों ने इसका आयोजन सिर्फ घरों पर ही किया, गुरुद्वारे पर सिर्फ रस्में ही अदा की गई और लोगों ने घरों पर ही से बड़े हर्षोल्लास से मनाया। वहीं अजमेर के गंज गुरुद्वारे पर आज के दिन विशेष लंगर का आयोजन किया गया। इस लंगर में पैकेट बनाकर समाज के लोग वह जरूरतमंदों के घरों तक पहुँचाया गया। खालसा वाहेगुरु की फतेह। सबसे पहले सभी देशवासियों को और सभी राज्य वासियों को वैसाखी की बहुत बहुत बधाई हो। इस देश की देश में जो महामारी आई है उसमें सिख संगठन की तरफ से 26 तारीख से लंगर घर घर में दिया जा रहा है। जो जरूरतमंद लोग हैं उनको लंगर घर पहुंचाया जा रहा है। करीबन 1000 पैकेट रोज के जाते हैं और बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था भी गुजरात के अजमेर की पूरी शासन की तरफ से की जा रही है, और अगर ये लॉकडाउन अभी चलेगा तो ये सेवा अभी आगे निरंतर जारी रहेगी। और हम परमात्मा से अरदास करते हैं सभी सिख संगठन की तरफ से कि ये महामारी जल्दी समाप्त हो ताकि जो देश है वापस अपनी निरंतर स्थिति में वापस आ जाए। और वैसाखी जो है वो हम लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग वैसे जो सामान्य जो गतिविधियां जो सामान्य जो परंपराएं हैं उसको निभाते हुए जो गुरुद्वारे में प्रोग्राम हुआ, बाकी इसमें सिख संगत जो है सब अपने घरों में ही सारा जो प्रोग्राम है वो सारे जो गुरबाणी है वो घर में ही हो रही है। सब अपने घर में वैसाखी का प्रोग्राम मना रहे हैं। रणधीर सिंह छावड़ा, प्रबंधक गंज गुरुद्वारा अजमेर। सिंधी समाज ने बनाई संत कंवर राम की 135वीं जयंती। प्रधानमंत्री केयर फंड में दिए 1,11,111 रुपए। सभी समाजवासियों ने अपने घरों में ही मनाई कंवर राम जी की जयंती। आज सिंधी समाज की संत कंवर राम की 135वीं जयंती सिंधी समाज ने अपने घरों में ही मनाई। सबसे पहले अखिल भारतीय सिंधु संत सभा द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री केयर फंड के लिए 1,11,111 रुपए का चेक दिया गया। इस मौके पर सिंधी समाज के संत और सिंधी समाज के कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। अखिल भारतीय सिंधु संत समाज द्वारा ट्रस्ट द्वारा ये माननीय महोदय नरेंद्र मोदी जी के फंड में 1,11,111 रुपये सेवा समर्पित की गई तुलसी पत्र के रूप में। संत सदाई धर्म की सेवा करते रहते हैं और आगे भी सेवा करते रहेंगे। आज साईं कंवर राम जी का जन्म उत्सव है, उपलक्ष्य में ये सेवा भेंट दी गई है। परमात्मा से यही प्रार्थना है जो कोरोना वायरस विश्व भर में दुनिया में फैल रहा है उसकी सेवा सदाई प्राणी मात्र के लिए सेवा चलती रहे, और आगे से आगे जो भी सेवा होगी हम उसके लिए सेवा के लिए तत्पर तैयार रहें। समाज जो हमारे प्रशासन अधिकारी सेवा कर रहे हैं, डॉक्टर सेवा कर रहे हैं, पुलिस सेवा कर रही है या मीडिया सेवा कार्य कर रही है, हम उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना करेंगे तो वो भी आगे से आगे सेवा करते रहें और सेवा का समर्थन देते रहें। क्या संदेश देना चाहिए? हम देश के लिए यही संदेश है, आप भी सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, देश को सुरक्षित रखें और समाज को सुरक्षित रखें, यही परमात्मा से प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,
माँ कश्यप दुर्भा भवित। मन सर्वदास उदासी श्री ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम अजमेर। इसके अलावा प्रेम प्रकाश आश्रम में सिंधी समाज के संतों द्वारा छोटा सा कार्यक्रम आयोजित कर प्रार्थना की गई और देश जल्द इस महामारी से मुक्त हो ऐसी दुआ की गई। बोल सत्य सनातन धर्म की जय। अमर शहीद साई कंवर राम साहिब की जय। गंगा मैया की जय। गौ मैया की जय। हर हर महादेव। अज सभी संतन महापुरुषन के देशवासन के साई कंवर राम साहिब जे 125 जन्म उत्सव जो अनंत लख लख वाधायूं। महापुरुषन के दर से यहा ही अरदास साई कंवरराम साहब पलो यानी प्रार्थना अरदास कंदा हुआ परमात्मा के अग्या तो सभी जो भलो थे सभी मथा उन परमात्मा की कृपा बनी रहे। असा भी साई कंवरराम साहब के चरण में यहा ही अरदास प्रार्थना वो पलो गर्दी करे पायूं अरदास क्यों तो ये जी महामारी जी हली रही है कोरोना वायरस परमात्मा उन संतन के दर से यही अरदास है तो यो जी दुखन सभी जहाँ परमात्मा दुख दूर करे कष्ट काफूर करे विश्व में शांति बनी रहे जी भी असाजा बछड़ा देश में हुजन परदेश में हुजन परमात्मा जो राखो रखवाल थे यही असा अज के ढी साई कंवरराम साहब जी के चरण में पुष्पांजलि अरदास पलो क्यों था तो सभी जो परमात्मा भलो करे साई जन भी यही चंदा हुआ तो सभी जो परमात्मा भलो करे समाज ही सदाई जड़ी तरह उ महापुरुष सेवा निरंतर गरीबन घुर्जान की सेवा कंदा जड़ी तरह असा के परमात्मा सब कुछ दिनों है जेतरो थी सके असा पैं समाज की गरीबन की घुर्जान की निर्बलन की सेवा कंदा रहूं। ओम शांति। इसके अलावा आज पूज्य सिंधी पंचायत पंचिल के सभी सदस्यों ने अपने घरों में ही संत कंवरराम की 135वीं जयंती मनाई। इस मौके पर पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष राधा कृष्ण आहूजा ने बताया आज का दिन सिंधी समाज के लिए काफी महत्वपूर्ण है लेकिन कोरोना वायरस जैसी महामारी के बीच इस दिन को हर्षोल्लास या धूमधाम से न मनाकर केवल घरों में ही संत कंवरराम की पूजा की गई और उन्हें याद किया गया और ये प्रार्थना की गई कि जल्द ही देश इस महामारी से मुक्त हो। इसके अलावा सिंधी समाज के लोगों ने घरों में प्रसाद बनाकर परिजनों में वितरित किया। अंकल बताइए आज क्या कार्यक्रम रखा था। बोल संत कौर राम साहब की जय। आज पूछ सिंधी पंचायत पंचिल नगर की तरफ से आज जैसे जो हमारे संत कौर राम साहब की जो जयंती का प्रोग्राम है उसके उपलक्ष्य में आज हमने घर घर के अंदर संत कौर राम जी की पूजा करी। उसमें महाआरती का प्रोग्राम रखा, प्रसाद का वितरण किया गया और जगह जगह प्रसाद का भी वितरण किया गया और उसकी बड़े धूमधाम से नाच गा करके इसका घर के अंदर ही प्रोग्राम किया क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है जो कोरोना के वायरस फैला हुआ है उसको धूमधाम से मंदिरों में न मना करके हमने सभी समाज के लोगों ने घर के अंदर ही इसका संत कंवर राम साहब का हमने प्रोग्राम रखा और बड़ी धूमधाम से मनाया गया। और मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ जो अभी ये महामारी चल रही है हमारे संत महात्मा से भी ये अरदास लगाई है कि ये बीमारी जल्दी ख़त्म हो और आपसे निवेदन करूँगा कि आप सब घर में रहें, अपना ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें, आसपास वालों का ध्यान रखें। प्रसाद किस तरह से वितरण किया आपने? प्रसाद हमने घर के अंदर ही प्रसाद बनाया गया उसके अंदर सभी समाज के लोगों को आसपास सभी जगह हमने प्रसाद का वितरण किया गया। राधा कृष्ण आहूजा पूर्व सिंधी पंचायत पंचिल नगर अध्यक्ष। किस तरीके से आज आपने क्या किया? जी आज हमारे संत कंवर राम जी की जयंती है उस सिलसिले में हमने बाहर नहीं जाकर घर पे ही सबने आरती दियाबत्ती करी है। हमने डांस वगैरह सारा प्रोग्राम हमने घर पे ही मनाया है। कोरोना वायरस को देखते हुए हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं इसलिए हमने धूमधाम से घर पे ही मनाया है। क्या क्या किया आज? आज हमने यहाँ पे आरती डांस करा और प्रसाद वगैरह बनाया घर पे बहुत अच्छे धूमधाम से मनाया हमने। क्या संदेश देना चाहोगे जिस तरह की महामारी फैली हुई? जी हाँ, मैं आप लोगों को सबसे निवेदन करती हूँ कि आप लोग घर से बाहर नहीं निकले, घर पे रहें और स्वस्थ रहें, अपना और पूरे परिवार का ध्यान रखें क्योंकि कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल रही है। अभी हजारों में संख्या है, लाखों में नहीं होने दे। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ। पुलिस कप्तान को राष्ट्रदीप अपने दल के साथ निकले जायजे पर कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र सहित अजमेर के कई इलाकों का लिया जायजा। बेवजह बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई जारी।
कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन जारी है, ऐसे में लोग लॉकडाउन की पालना कर रहे हैं या फिर नहीं, इसके लिए पुलिस कप्तान को राष्ट्रदीप रोज अपने जाब्ते के साथ अजमेर के अलग अलग क्षेत्रों में जायजा लेने के लिए रवाना होते हैं। आज भी पुलिस कप्तान को राष्ट्रदीप ने अजमेर के कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र सहित अजमेर के कई इलाकों का जायजा लिया, जिसमें माकड़वाली रोड, पंचिल, कोटड़ा, वैशाली नगर, फायसागर रोड, ज्ञान विहार, बीके कॉल नगर, फायसागर रोड, दहली गेट, दरगाह बाजार, नला बाजार, मदार गेट, रेलवे स्टेशन सहित कचहरी रोड का जायजा लिया और बेवजह बाहर निकल रहे लोगों पर कार्रवाई करवाई, साथ ही जिनके पास पास थे उन्हें जाने दिया। आबकारी विभाग ने चोरी छुपे शराब की बिक्री पर अजमेर की शराब की दुकानों की ली तलाशी, कई दुकानों की टूटी मिली सील तो कई पर स्टॉक मिला पूरा। कोरोना वायरस की वजह से राजस्थान में लॉकडाउन जारी, ऐसे में केवल आवश्यक वस्तुओं के अलावा किसी भी दुकानदार को दुकान खोलने की अनुमति नहीं थी। शराब की दुकानें भी इस बीच बंद थी, लेकिन आबकारी विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि शराब की दुकानें चोरी छुपे खुल रही है और शराब भी बेची जा रही है, जिस पर आज आबकारी जाब्ते ने अजमेर की कई शराब की दुकानों का जायजा लिया। कहीं तो सील टूटी मिली, वहीं कहीं पर स्टॉक पूरा मिला। जहाँ पर सील टूटी मिली उन ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। आज हमने जो अखबार में जो न्यूज आई उस न्यूज़ को देखते हुए सारी दुकानों को जो सर्टिफिकेट कह रहे हैं, हम सबको चेक किया, सभी दुकानें सिलचिट थी, सिलचिट है। और जो संदेह के घेरे में आई गई थी वो दो थी, और जो ये इसमें ये दुकान थी अपनी रोल प्लाजा, ये भी पूर्ण रूप से सिलचिट है। डिप्टी साहब नहीं थे, उनके सामने दुकान खोली गई है और पंचनामा बना। और फिर पैरामाउंट वाला होटल, उसको भी देखा, उसके आगे सील लगी हुई थी, चिपड़ी हुई थी, और पिछ वाली सील उसने उखाड़ के फेंक दी या किसी ने तोड़ी, इसको भी पता नहीं। तो उसको भी हम बात चेक कराएंगे, पंचनामा बनाएंगे, इनका भी पंचनामा बनाएंगे। और जो सीसीटीवी फुटेज है जिस दुकान से या जिस होटल से माल निकलेगा उसके लिए कार्रवाई। भीलवाड़ से कल रात दो अज्ञात युवकों के पहुँचने पर मचा हड़कंप, वार्ड पार्षद ने तुरंत पुलिस और मेडिकल टीम को दी सूचना। कल देर रात दो अज्ञात युवकों के अजमेर पहुंचने पर हड़कंप मच गया। दरअसल दो युवक शाहपुरा भीलवाड़ा जिले से पैदल चलकर अजमेर पहुंच गए और अपने दोस्त के घर चले गए, जिसके बाद वार्ड 35 के पार्षद चंदन सिंह को क्षेत्रवासियों ने सूचना दी, जिसके बाद पार्षद ने तुरंत पुलिस और चिकित्सा विभाग को इसकी सूचना दी। पुलिस और चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद दोनों से पूछताछ की तो पता चला कि इनका दोस्त जादूगर बस्ती में रहता है और ये दोनों उसके पास आए थे। दोनों को तुरंत रेल म्यूजियम लेकर पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां पर नहीं रख पाए, क्योंकि अगर ये संक्रमित हुए तो बाकी लोग भी संक्रमित हो सकते हैं, जिसके बाद इन्हें दूसरी जगह ले जाया गया। वहीं चिकित्सकों का कहना है कि इनकी ट्रैवल हिस्ट्री की जांच की जा रही है और दोनों को क्वारंटाइन कर दिया गया है, बाकी की जांच जारी है। इनको कैसे क्या सूचना मिली आपको? ये अभी मैं घर पर था तो वार्ड के लोग आए करीब 10:30 बजे कि साहब दो अज्ञात व्यक्ति वार्ड में आ गए और वो डाउटफुल दिख रहे हैं। तो मैंने सोचा भाई चलो साथ चलो, मैं भी चलता हूँ। तो मेरे को मालूम पड़ा कि एक इस वार्ड में रहने वाला लड़का है, वो होटल में काम करता है। तो मैंने बोला भाई ये कैसे आए? तो बोला जी मेरे साथ काम करते थे इसलिए आए, तो फ़ोन कर रहे थे। तो मैंने बोला इस लॉकडाउन में इधर कहाँ बुला लिया, कहाँ से आए ये? तो इनसे पूछा, वो बोला जी शाहपुरा से आए। मैंने फिर इन लोगों से पूछा दोनों से कि भाई कहाँ से आए, बोला शाहपुरा बनेड़ा माता जी का खेड़ा भीलवाड़ा ज़िला। मेरे को बहुत डाउट हुआ, मैंने सीधे CMH साहब को मिलाया, CI साहब को फ़ोन मिला दिया, अलवर गेट थाने पुलिस आ गई, इधर से CMH साहब के द्वारा गाड़ी आ गई है। अब इसकी जांच कर रहे हैं, देखो आगे क्या होता है ये मालूम पड़ेगा। अब कैसे क्या इनकी व्यवस्था रहेगी, किस तरह से ये अब नाका पार करके आए? वही तो मैं बोला यार, इतनी सिक्योरिटी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी भीलवाड़ा ज़िले से ये लोग एंट्री कर गए और वार्ड में आ गए, मतलब कितनी बुरी स्थिति है इसका, मतलब ये देखो आप। तो क्या मानते हो कि जो पुलिस का चौकीदारी नहीं हो रही कि इस तरह? अब देखो मैं तो इसके बारे में क्या कहूँ, ये तो दिख ही रहा है कि भाई एंट्री कर ली इन्होंने और मेरे वार्ड तक आगे भीलवाड़ा से, ये तो साफ ही तौर पे कि जिला भीलवाड़ा और अजमेर जिले में प्रवेश कर जाना, वो भी इतने किलोमीटर शाहपुरा होकर आ जाना, बहुत बड़ी बात है। वार्ड कौन सा है आपका? वार्ड 35, वार्ड पार्षद चंदन सिंह, जादूगर बस्ती। अच्छा तो क्या मानते हो कि पुलिस की गश्त कम हो गई है दिन पे दिन? नहीं नहीं, पुलिस तो तुरंत आ गई थी गश्त तो, पर मेरे को फोन करते ही ये चौराहे का तो मेरे को कुछ मालूम नहीं है ना ऐसा, भाई कैसे एंट्री की इन्होंने, इतना पता है कि ये एंट्री करके उधर से आ गए जबकि पुलिस की गश्त थी वहाँ, ये लोग बता रहे हैं और फिर भी आ गए। अब पुलिस से ये तो यही लोग बताएंगे कि पुलिस से इन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, कैसे एंट्री की, अब किस तरह से इनको व्यवस्था करी। अभी हमारे CMHO साहब की गाड़ी आई तो
हमारे पास ये शेल्टर है ये सामने रेल म्यूजियम वाला, अब ये है ओपन, इसमें शहर के जितने भी भिखारी हैं उनको रुकने की व्यवस्था की गई है, परंतु कोई ऐसा पैक साधन नहीं है कि जो इसको रखा जाए इन दोनों को, क्योंकि ये ओपन है ये कभी भी भाग सकते हैं, मेरे को डाउट है। अब इनकी देखो व्यवस्था, तो मेरे को पूछ रहे थे CMHO साहब से यार डॉक्टर साहब क्यों इनकी व्यवस्था, मैंने कह रही तो प्रशासन करेगा, प्रशासन को देखना पड़ेगा कि इनको कहाँ रखा जाए, यही मेरी बात हुई अभी तक। आपका नाम? चंदन सिंह, वार्ड पार्षद 35। क्या नाम बता देंगे? नाम तो ही पूछा नहीं, पूछूंगा मैं, एक तो पालू बता रहा था, मैं सुन रहा था वो डॉक्टर साहब पूछ रहे थे, तो अब दूसरा नाम मैंने सुना नहीं, इतने में आपके पास आ गया मैं। ऐसे क्या मिले यहाँ पर ये पैदल चल के आए जैसा बता रहे हैं आपको, बताया इन पाशा साहब ने, उनकी हिस्ट्री प्रॉपर नहीं है, जैसे ये दोनों भाई हैं गोल गोल जवाब दे रहे हैं, इनकी जो भी हिस्ट्री है प्रॉपर नोट कर लिए, जो भी आइडेंटिटी कार्ड है देख लिया है, अब इनको क्वारंटाइन किया जाएगा, इनको सील लगा दी है इनको। कहाँ से आए, कहाँ से आना बता रहे? ये भीलवाड़ा जिले से आए ना, पैदल बनेड़ा से, अभी आज पहुँचे हैं, ये पैदल चल के आए बता रहे हैं। क्या रहेंगे? डिस्पेंसरी पर व्यवस्था न होने से मरीजों को आ रही है परेशानी, तपती धूप में खड़े होने पर मजबूर है लोग। कोरोना वायरस जैसी महामारी के बीच लोग लॉकडाउन की पालना करें और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें, इसको लेकर सरकार और प्रशासन द्वारा लगातार लोगों से अपील की जा रही है। लेकिन आज हमारी टीम जब वैशाली नगर स्थित डिस्पेंसरी पर पहुंची तो देखा कि लोगों के बीच थोड़ी सी भी दूरी नहीं है। हालांकि डिस्पेंसरी पर आए लोगों ने इसका जिम्मेदार डिस्पेंसरी के स्टाफ को ठहराया है। डिस्पेंसरी पर सीनियर सिटीजन और नॉन सीनियर सिटीजन की लाइन बनाई गई है, लेकिन तपती धूप में खड़े होने की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बुजुर्ग लोग भी धूप में खड़े हैं, उनका कहना है कि ऐसी स्थिति में अगर तबीयत खराब हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं 10:30 बजे से इस वैशाली नगर डिस्पेंसरी के अंदर आया हुआ हूँ, यहाँ आकर मैंने देखा जो सीनियर सिटीजन की लाइन है वो एकदम, जितने भी सीनियर सिटीजन है धूप के अंदर खड़े हैं, न कोई डिस्टेंस है उनमें न कुछ है, ऐसे जो नॉन सीनियर सिटीजन है उनकी लाइन भी थोड़ी सी जगह छाया की व्यवस्था है, तीन शेड डला हुआ है वो भी, और बाकी कोई डिस्टेंस की कोई व्यवस्था नहीं है कि दूर दूर खड़ा करा जाए, कुछ नहीं किया जाए। अभी जाके 12 बजे टेंट आया यहाँ पे टेंट लगाने के लिए। अगर ऐसे के अंदर अगर किसी सीनियर सिटीजन की अगर तबीयत खराब हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? न अंदर डॉक्टर है न कोई है, सिर्फ कंपाउंडर हैं, वो 10-10 दिन की दवाएँ सबको दे रहे हैं, ये हाल है। टेंट भी अभी आया, टेंट अभी आपके सामने आया है और अब लगाने की व्यवस्था की जा रही है यहाँ पर। सर अपना नाम बताएं सर। गोपाल प्रसाद माथुर, सीनियर सिटीजन। हरीश पंजवानी। हाँ, जितने भी सीनियर सिटीजन आते हैं उसको तजुर्बे नहीं दिया जाता है, और डॉक्टर साहब अंदर बैठे हुए हैं और उनको फिर बैठा देते हैं 1.5 घंटे, कोई अंदर काम हो तो वो काम करते फिर आते हैं बाहर। कितनी देर में धूप में उभरते आप अभी? अभी 1.5 घंटा हो गया मेरे को। और ये टेंट अब आया? टेंट अभी आया है, मैडम ले आई हमारी मिलने वाली, और सीनियर स्टाफ जो जो केमिस्ट है वो खुद दवा रजिस्टर में नाम लिख रहा है, और नर्सें ऐसी बैठी अपने हिसाब से दवाएं दे रहे हैं, अपने हिसाब से दवाई दे रहे हैं, और अपने हिसाब से दवाई दे रहे हैं। आपका नाम? केमिस्ट बैठा हुआ है, रजिस्टर जिसकी ड्यूटी है नर्स की वो लिखे, वो लिख नहीं रहे। अपना नाम बताइए सर। और ये सुरेंद्र है, बहुत पाँच साल से ज़्यादा इसका ट्रांसफर करना जरूरी है। सर आपका नाम बताएं। हरीश पंजवान। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ।